हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2,00,000 रुपए विवाह अनुदान देने का भी निर्णय किया गया। करीब जो है 1,226 पोस्ट जो है कांस्टेबल्स के भरे जाएंगे, जिसमें महिलाओं को जो है 30% जो है उसमें महिला कांस्टेबल्स के लिए विशेष जो है रिजर्वेशन का प्रावधान की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा के अंदर जो एक हमारा जू बनना है और ये जू जो है करीब 619 करोड़ रुपए इसमें जो है पूर्ण खर्च होगा और इसमें बहुत सारे जो हमारे वन प्राणी हैं उसको इस जू में रखा जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जू का जो है निर्माण की मंजूरी इसके बजट के प्रावधान के लिए कैबिनेट ने दी है। आयुष डिपार्टमेंट में 78 नए जो है वेलनेस सेंटर खुलेंगे।